हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है दोस्तों, आप अपने लैपटॉप या पीसी में आप पेटीएम एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली रन नहीं करा सकते हैं। जैसे दोस्तों, आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाकर के पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे इजी वे में आप वहाँ पे रन कराते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन पेटीएम का डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, आप कुछ ट्रिक का यूज़ करके आप अपने लैपटॉप या पीसी के डेस्कटॉप पे आप पेटीएम एप्लीकेशन को ला सकते हैं और अपने लैपटॉप पीसी में पेटीएम एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे लैपटॉप के होम स्क्रीन पर आपको नजर आता होगा पेटीएम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे आप अपने फोन में पेटीएम एप्लीकेशन को रन करते हैं, चलाते हैं, उसी प्रकार के यहाँ भी चलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से बताऊंगा आप अपने लैपटॉप और पीसी में पेटीएम एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लैपटॉप या पीसी के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो आपके लैपटॉप या पीसी में ब्राउजर होगा, चाहे क्रोम ब्राउजर होगा या फायरफॉक्स होगा या तो कोई भी ब्राउजर होगा दोस्तों, उसे आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। जब क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना है पेटीएम। तो सिंपल से दोस्तों, यहाँ पे आप पेटीएम टाइप कर दीजिए। पेटीएम टाइप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक फिर से एक नया इंटरफेस नजर आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पेटीएम का ऑफिशियल वेबसाइट है http://paytm.com, देख सकते हैं सबसे टॉप में आपको नजर आ जाएगा। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक नया इंटरफेस नजर आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पे आपका पेटीएम लॉगिन अभी तक नहीं हुआ। सिंपल से पेटीएम का ऑफिशियल वेबसाइट जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन होता है, वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले पेटीएम को लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। तो इसके लिए देख सकते हैं सबसे कॉर्नर में आपको एक साइन इन आपको नजर आता होगा, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक नया फिर से एक नया इंटरफेस यहाँ पर नजर आ जाएगा और यहाँ देख सकते हैं आपको किस प्रकार से आपको यहाँ पे लिंक करना है, साइन इन करना है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे बता दिया गया। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने फोन में जो पेटीएम एप्लीकेशन होगा उसे ओपन करेंगे, उसके बाद टैप स्कैन पर यहाँ पे आपको ये QR कोड आपको नजर आता होगा, इसे आपको स्कैन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने फोन में यहाँ पे मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, लगा देता हूँ, देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जब पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पे इस QR कोड जो आपको डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आता होगा, उसे आपको अपने फ़ोन से स्कैन करना होगा। जो भी आपके फ़ोन में अब पेटीएम होगा उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे स्कैन करना होगा, आपका लैपटॉप खुल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे में आपको जब अपने फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ सबसे नीचे आपको नजर आता होगा स्कैन एनी QR कोड। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप के पास ले जाना है। ले जाने के बाद देख सकते हैं, मैं अपने लैपटॉप को होम स्क्रीन पर ले गया और जब QR कोड को स्कैन किया और यहाँ देख सकते हैं स्कैन हो गया, यहाँ पे सिंपल से आपको फोन में प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जब क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है, ये हमारा डेस्कटॉप में लॉगिन हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार सब जानेंगे कि हमारा लॉगिन हुआ। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाइए, यहाँ देख सकते हैं हमारा नंबर नजर आता होगा और यहाँ पे हमारा फोटो लोगो यहाँ पे बनकर आ चुका है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पर करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल को देख पाएंगे। ऑर्डर वैलिड जो भी करना है दोस्तों, यहाँ पे इजी वे में कर सकते हैं। जो अपने फोन के जो पेटीएम एप्लीकेशन को जो वहाँ पे वर्क करते हैं, वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। रिचार्ज कर सकते हैं, पे रेंट पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज प्रीपेड मोबाइल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेलवे टिकट भी टिकट वगैरह, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, ट्रेन टिकट, कार टिकट, काफ़ी सारा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। जो भी आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन में करते हैं, वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम फॉर कंज्यूमर, यहाँ पे पेमेंट वगैरह है, तो यहाँ पे टिकट बुकिंग जो भी करेंगे यहाँ पे आपको शो होगा। तो काफ़ी सारा यहाँ ऑप्शन है, तो आगे वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ मैनेज किया जाता है। तो यहाँ सिंपल से इस वीडियो में बताने वाला था कि पेटीएम एप्लीकेशन किस प्रकार से आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में ओपन करेंगे। तो ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे होम स्क्रीन पर कैसे लाएंगे। तो होम स्क्रीन पर लाने के लिए दोस्तों सिंपल सबको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अपने ब्राउजर के कॉर्नर में आपको 3 डॉट लाइन नजर आता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको काफी सारा ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको जाना है मोर टूल में। मोर टूल में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं फिर से एक नया यहाँ पे इनबॉक्स ओपन हुआ, यहाँ पे आपको नजर आता होगा सेकंड नंबर में क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पेटीएम सिक्योर एंड फास्ट UPI पेमेंट रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज सब यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ इस विंडो को, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं ये पेटीएम यहाँ पे आ चुका है। जब भी आपको ओपन करना होगा दोस्तों, सिंपल से आपको इस आइकन पर आपको एक
दो बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली आप अपने पेटीएम में लॉगिन हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन मैं हो गया। देख सकते हैं हमारा नंबर यहाँ पे आ चुका है, फिर से यहाँ पे इंटरफेस उसी प्रकार से आ चुका है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है। तो बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए आप अपने लैपटॉप या पीसी में पेटीएम एप्लीकेशन को चला सकते हैं, और जो भी आप अपने फोन में वर्क करते हैं वही काम आप अपने लैपटॉप या पीसी में कर सकते हैं। कितना ईजी था मैं आपको पूरा ईजी प्रोसेस में बता दिया। सिंपल से दोस्तों जब भी आपको ओपन करना हो सिंपल से आपको इस आइकन पर दो बार क्लिक करना है और आप अपने पेटीएम वैलेट में लॉगिन हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आप अपने लैपटॉप पीसी में पेटीएम एप्लीकेशन को किस प्रकार से रन करेंगे, जिससे कि आप अपने फोन में प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रन कराते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं इस प्रकार से काफी सारे वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।